तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वे फॉर क्लिक। और आज फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने यहाँ पे एक नया कंप्यूटर असेंबल कराया है। तो आज की ये जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर होने वाली है। और आप सभी को पता है कि यहाँ वे फॉर क्लिक पे हर तरह के लोग मौजूद हैं, जिनका बजट बहुत ही कम है और जिनका बजट काफ़ी अच्छा है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे दो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। अगर मिनिमम से मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का हमें कंप्यूटर असेंबल कराना है जिसमें हम ठीक से वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन कर सकें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें अगर कराना है तो किस लेवल तक हम वहाँ पे करा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो वीडियो है ये मेरी डेस्कटॉप के ऊपर है। लैपटॉप वाले जो बंदे हैं उनके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो लोग अपना कंप्यूटर असेंबल कराना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो स्टार्टिंग में मेरा भी बजट बहुत ही कम था। तब मैंने बहुत खींच खाँच के इधर उधर से पैसे लेकर एक कंप्यूटर असेंबल कराया जिसने मेरा अभी तक यहाँ पे साथ दिया। और मैं चाहूँ तो ब्लेंडर में और भी अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें स्मूथली काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ VFX में एडवांस लेवल की चीज़ों को करना था, इस वजह से मुझे एक नया कंप्यूटर असेंबल कराना पड़ा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मेरा पुराना PC है उसकी क्या कन्फिग्रेशन थी और कितनी कॉस्ट मुझे उसकी पड़ी। तो जिन लोगों का बजट बहुत कम है और वो मिनिमम से मिनिमम बजट में PC देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप 35,000 से 40,000 के बीच में अपना जो मिनिमम से मिनिमम PC है उसको बनवा सकते हैं मिनिमम बजट में। कभी भी कंप्यूटर असेंबल कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 3 कंपोनेंट अपने माइंड में हमेशा रिसर्च करके जाना है। सबसे पहला आता है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर के केवल 2 ही वेरिएंट हैं यहाँ पे इस समय इस जनरेशन में जो मौजूद हैं, वो है हमारा एक तो इंटेल के प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हैं या फिर राइजन के साथ आप जा सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जो भी हमारे ये AMD और राइजन वाली जो चीज़ें हैं स्टार्टिंग में, तो ये आपकी बहुत ही अच्छे काम करती हैं, लेकिन बाद में ये बिल्कुल 1-2 साल बाद बिल्कुल आपका जो कंप्यूटर है वो डिब्बा बन जाएगा और हैंग करने लगेगा। तो इससे अच्छा है पहले से पहले ही आप अच्छी चीज लें, चाहे वो आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़े, और इंटेल के साथ ही आपको हमेशा यहाँ पे जाना है। इंटेल की खास बात ये है कि सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे AC नहीं है और धूल मिट्टी आपके यहाँ पे काफ़ी आती है, गर्मी काफ़ी रहती है, तो ये प्रोसेसर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। दूसरा, ये जो प्रोसेसर है इसकी जो पावर स्टार्टिंग में है आपकी वो लास्ट में 10 साल तक भी अगर आप काम करेंगे तो उसी बेस पे ये उसी लेवल पे है यहाँ पे इसकी पावर बनी रहेगी। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है लेकिन AMD के केस में आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिब्बा बन जाएगा 2 साल के बाद ही। तो मिनिमम बजट के जो लोग हैं वो मिनिमम से मिनिमम i5 प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं। तो मेरा जो प्रोसेसर है वो इस समय i5 ही है और इसमें जो मैंने जनरेशन चुनी थी उस समय 7th जनरेशन थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और एडवांस जा सकते हैं और i5 में 10th जनरेशन तक आप उसको चुन सकते हैं। अब प्रोसेसर में भी काफ़ी सारी सीरीज़ आपको मिल जाती हैं। सबसे पहली जो सबसे नीचे से स्टार्ट होती है वो होती है इसमें F-सीरीज़। F-सीरीज़ जो होती है इसमें आपको USD यानी कि इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता है, यानी कि आपकी जो डिस्प्ले है वो उसमें नहीं आएगी। इसी तरीके से प्रोसेसर में और भी अलग अलग सीरीज़ होती हैं, जैसे कि F के बाद में दूसरी सीरीज़ आती है K-सीरीज़, तीसरी आती है इसमें FK-सीरीज़ और लास्ट में आती है KS-सीरीज़। सबसे पहली F जो है वो सबसे बेकार है, इसको कभी इस्तेमाल ना करें। इसके बाद में जो K है, ये जो की सीरीज़ है ये आपकी अच्छी सीरीज़ है अगर आप ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो K-सीरीज़ के प्रोसेसर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। K-सीरीज़ में आपको एक छोटा सा USD ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है। बाई चांस अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो जाता है या कभी आप उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्प्ले आपकी मदरबोर्ड से ही आ सकती है। इसी तरीके से KF और KS सीरीज़ हैं, ये थोड़े से इनसे एडवांस हो जाते हैं K-सीरीज़ से और उतने ही ये कॉस्ट में महंगे हो जाते हैं। हर एक के बीच में आपको 4,000 से 5,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो मैंने अपने कंप्यूटर में K-सीरीज़ का जो प्रोसेसर है वो इस्तेमाल किया है और अभी भी मैं K-सीरीज़ का ही रिकमेंड करता हूँ। स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है उसकी वो मुझे अराउंड 13,000 से 14,000 रुपये के आसपास पड़ी थी i5 7th या 6th जनरेशन में। 10th जनरेशन में थोड़ा सा ये हाई हो जाता है। प्रोसेसर के बाद दूसरी चीज़ जो हमारी आती है वो आती है इसमें मदरबोर्ड। तो मेरा जो मिनिमम कॉस्ट का जो PC है उसमें जो मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है मेरा यहाँ पे GigaByte का H110MS2 सीरीज़, अल्ट्रा ड्यूरेबल के नाम से ये मेरा एक मदरबोर्ड है।
और ये जो मदरबोर्ड है ये सबसे नीची कॉस्ट में गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे हमेशा थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जाएंगे, ये आपको मात्र 5-6 हज़ार रुपये में वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड भी इस्तेमाल किया है। ग्राफिक्स कार्ड जो है वो है मेरा गीगाबाइट का ही GeForce GT 1030। इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड मुझे पड़ी थी यहाँ पे 6000 यानी 6000 रुपये उस टाइम पे। अब हो सकता है इसकी कॉस्ट कुछ और हो या फिर इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मार्केट में देखने को मिले। इसके साथ में मैंने उसमें इस्तेमाल की थी 8GB रैम जो मेरी कोर शेयर की है। कोर शेयर की जो रैम है वो बहुत ही अच्छी आती है 10 साल की वारंटी के साथ। इसके अलावा उसमें 1TB मैंने इस्तेमाल की थी हार्ड डिस्क। तो ये थी मेरी पुराने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। पूरा सिस्टम उस टाइम पे मुझे असेंबल करके पड़ा था लगभग 35000 रुपये का, केवल CPU। उसके अलावा सारी चीज़ें मॉनिटर वगैरह जो आप अपने वो अपने हिसाब से आप उसमें खरीद सकते हैं। तो केवल CPU मुझे उस समय पर वो 35000 का पड़ा था। और ये जो CPU है वो इतना पावरफुल है कि ये अच्छे अच्छे ग्राफिक्स कार्ड से भी टक्कर ले सकता है। अभी तक के जितने भी मैंने 53 एपिसोड्स हैं वो सारे के सारे प्रीमियर प्रो पे एडिट किए हैं, एडवांस लेवल पे फुल HD के साथ में, और साथ में ही ब्लेंडर में जितना भी मैंने काम किया है वो स्मूथली इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पे मैंने किया है। तो ये था हमारा मिनिमम बजट का PC जो मुझे लगभग 35000 का जो मेरा CPU है वो मुझे पड़ा। उस समय पे जो मेरी मॉनिटर है वो मुझे लगभग 4500 रुपये का मुझे पड़ा था मार्केट से, फुल HD मॉनिटर है। जब भी आप मॉनिटर लें उसमें मिनिमम फुल HD मॉनिटर लें और उसमें HDMI केबल का पोर्ट ज़रूर देख लें। जब हमारा यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लग जाता है तो उसमें जो पुराने ज़माने के VGA पोर्ट होते थे जिससे हमारी डिस्प्ले आती थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब इसमें जो मिडिल लेवल पे आता है HDMI केबल से उसमें आपके जो कंप्यूटर की क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी आपको दिखाई देगी। उससे ऊपर आप जाना चाहते हैं तो DP पोर्ट आते हैं जो बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड हैं उनमें, उस DP पोर्ट के साथ आप अपने डिस्प्ले को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब i5 के साथ ये जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का PC है इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। अब i5 के साथ मेरा जो ये ओल्ड PC है इसके साथ में मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, HD में कर सकता हूँ, फुल HD में कर सकता हूँ, 4K भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 1 या 2 मिनट की। इससे बड़ी वीडियो होगी तो मुझे यहाँ पे दिक्कत होगी, 8K वीडियो मैं इसमें एडिट नहीं कर पाऊँगा। एनिमेशन में मैं MGO टाइप के कार्टून बना सकता हूँ और सिंपल एनिमेशन कर सकता हूँ। MGO टाइप के कार्टून में भी 2 से 2.5 मिनट की वीडियो मैं यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे लगभग 1 घंटा यहाँ पे लग जाएगा। सिंपल कार्टून में भी मैं हैवी सीन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा ब्लेंडर में बड़े आसानी से इसमें चला सकता हूँ, ब्लेंडर को सीख सकता हूँ। इसके अलावा इसमें एडवांस लेवल की जो एनिमेशन है वो इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा, VFX मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा। एडवांस एनिमेशन और VFX के लिए जो मेरा नया PC है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने लेटेस्ट PC पे। ये जो मेरा PC है वो मुझे टोटल पड़ा है 1,96,000 रुपये का। ये बहुत ही पावरफुल PC है और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोसेसर पे। प्रोसेसर मैंने जो इस्तेमाल किया है वो दोबारा से K-सीरीज़ का इस्तेमाल किया है, लेटेस्ट i9 प्रोसेसर। तो ये जो i9 प्रोसेसर है ये मुझे पड़ा लगभग 54,000 रुपीज़ का। और इस पे अगर आप कॉस्ट देखेंगे यहाँ पे तो इसकी जो कॉस्ट लिखी हुई है वो है यहाँ पे 82,350 रुपीज़। तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो भी डीलर्स हैं वो आपको जितना चाहें उतना लूट सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको लगभग 55,000 से 60,000 के रेंज में यहाँ पे पड़ेगा। ये जो प्रोसेसर है ये मेरा बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, i9 13th जनरेशन K-सीरीज में मैंने ये यहाँ पे लिया है क्योंकि मैं इसके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्राफिक्स कार्ड। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो KS-सीरीज के साथ जा सकते हैं, उसमें ग्राफिक्स कार्ड ऑलरेडी इनबिल्ड होता है और उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो आप उसमें आराम से कर सकते हैं केवल i9 प्रोसेसर के साथ। तो ये तो था हमारा i9 13th जनरेशन प्रोसेसर। इसके बाद आते हैं अपने मदरबोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड में अगर आप कंजूसी कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अपना नुकसान कर सकते हैं।
कभी भी अगर आप मदरबोर्ड लेते हैं तो सबसे अच्छी क्वालिटी का मदरबोर्ड लीजिए, जिसको आप चाहें तो बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है ब्रांड्स की। कोई भी कंप्यूटर आप बनवा रहे हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर अगर आप आसुस में बनवा रहे हैं, या फिर मान लीजिए MSI नाम का एक ब्रांड है उसमें बनवा रहे हैं, या फिर गीगाबाइट का जो ब्रांड है उसमें बनवा रहे हैं, तो तीनों में आपका जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे सिस्टम को असेंबल करा रहे हैं तो सबसे पहली जो बेहतरीन ब्रांड है वो है हमारी गीगाबाइट। दूसरे नंबर पे मैं जो रखूंगा यहाँ पे वो है हमारा MSI, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो मैं रखूंगा वो है हमारा आसुस। तो सबसे ज़्यादा जो डीलर हैं वो यहाँ पे आसुस ब्रांड की तरफ आपको खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि आसुस ब्रांड सबसे ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी का मैं यहाँ पे मानता हूँ। स्टार्टिंग में तो वो आपको अच्छे परफॉर्मेंस देगा, लेकिन बाद में जब आपका धीरे धीरे सिस्टम पुराना होता चला जाएगा उसमें उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती चली जाएंगी। 2 साल के बाद में आपका जो सिस्टम है वहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। साथ में ही उनका डीलरों का जो मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से वो हमेशा आपको बेकार चीज़ यानी जो उसके पास जो बल्क में चीज़ पड़ी हुई है उसकी तरफ वो खींचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आप कोई भी कंप्यूटर असेंबल करा रहे हैं तो हमेशा सबसे पहले गीगाबाइट की तरफ में जाएंगे। गीगाबाइट सबसे बेहतरीन ब्रांड है। उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप MSI उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मदरबोर्ड हो चाहे आपका ग्राफिक्स कार्ड हो। 2 चीज़ जो हैं वो आप हमेशा यहाँ पे ब्रांड के हिसाब से नोटिस कर लीजिए, और जिस हिसाब से हमारी ये तीनों ब्रांड हैं उसी हिसाब से इनके प्राइस हैं। गीगाबाइट की जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी महंगी पड़ेंगी, उसके बाद में जो हमारी MSI है उसमें थोड़ा सा आपको उससे कम पड़ेगा, और बाकी आसुस जो है ये आपको काफ़ी कम में वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मेरा, दिखा देता हूँ आपको, गीगाबाइट का Z690 ओरस प्रो, और ये मेरा DDR5 रैम के साथ में सपोर्ट करता है। ध्यान रहे कि हमारा जो है DDR4 मदरबोर्ड अलग आते हैं और DDR5 मदरबोर्ड अलग आते हैं। लेटेस्ट जो है वो हमारा DDR5 मदरबोर्ड है, और ये 2 जनरेशन को सपोर्ट करता है। 12th को भी जनरेशन को सपोर्ट करता है और i13 दोनों जनरेशन को आपको सपोर्ट करता है। साथ में ही अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कभी भी अपना जो प्रोसेसर है इसमें अपग्रेड कर सकते हैं i9 12th जनरेशन से i9 13th में। तो मैंने पहले से ही लेटेस्ट लिया है यहाँ पे i9 13th जनरेशन, तो यहाँ पे ये मैंने लेटेस्ट है। इससे भी लेटेस्ट एक और है यहाँ पे Z690 के अलावा, इससे भी लेटेस्ट है एक 790 प्रोस हमारा जो मदरबोर्ड है। इसकी जो कॉस्ट मुझे यहाँ पे डिब्बे में दे रखी है वो है हमारी यहाँ पे 54,000 की, और अमेजोन पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो ये अमेजोन पे मुझे लगभग पड़ेगा 45 अराउंड का। तो मैंने ये जो मदरबोर्ड है वो यहाँ पे ख़रीदा है केवल 32,500 रुपये में। तो आप सोच सकते हैं कि बाहर लोगों को कितने धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। जितने भी हमारे डीलर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ कंप्यूटर शॉप्स पे बैठे हैं, वो धड़ल्ले से लोगों को लूट रहे हैं। अगर आप यहाँ पे रिसर्च करके नहीं गए हैं तो आप काफ़ी सारे यहाँ पे पैसे बर्बाद कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्राइस भी आपको अप्रॉक्सीमेटली पता होना चाहिए कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये थे हमारे प्रोसेसर और मदरबोर्ड। अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे, जो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा प्रोसेसर है वो इंटेल बनाता है, उसी तरीके से हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी यहाँ पे NVIDIA ही बनाता है। सारे ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे NVIDIA के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्रांड्स बताई थी, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं जैसे गीगाबाइट, MSI, आसुस या फिर और भी अलग अलग ब्रांड्स हैं जो अपना ठप्पा उस पर लगा के अपनी जो भी उनके मदरबोर्ड हैं उनके हिसाब से उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी हिसाब से जब अलग अलग ब्रांड आ जाती हैं तो अलग अलग उनके प्राइस आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं तो सबसे पहली ब्रांड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको लेनी है यहाँ पे गीगाबाइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप जा सकते हैं यहाँ MSI के साथ में, या जोटेक मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। उसके अलावा तीसरा सबसे बाद में अगर आपको जाना है तब आप जा सकते हैं आसुस के साथ में। और इन तीनों की जो कॉस्ट है वो आपको अलग अलग मिलेगी हमेशा। गीगाबाइट का सबसे महंगा आपको मिलेगा, जोटेक का उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, और बाकी हमारा सेम मॉडल जो होता है वो आसुस में आपको बहुत ही कम में मिल जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मेरा गीगाबाइट का 3070 Ti।
इसकी जो कॉस्ट है अमेज़ॉन पे जब मैंने चेक की थी वो मुझे 65,000 वहाँ पे दिखा रहा था, और काफ़ी सारी मैंने रिसर्च की तो मुंबई से मुझे सबसे कम रेट में यहाँ पे ये ग्राफिक्स कार्ड मिला, एक रेट जो मुझे पड़ रहा था लगभग 55,000 के अराउंड। लेकिन जहाँ से मैंने ये कंप्यूटर असेंबल कराया है वहाँ पे और भी मुझे अच्छी कॉस्ट इसकी मिल गई, लगभग ये मुझे पड़ा 54,000 रुपये का। इसमें 3070 Ti और 3070 दोनों अलग अलग होते हैं, और इसमें अगर आप थोड़ा सा इससे नीचे जाना चाहते हैं तो 3060 सबसे बेहतरीन यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 35,000 की रेंज में। उससे भी अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो फिर 2060 के साथ जा सकते हैं जो आपको 25,000 के अराउंड पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर वो कॉस्ट मांग रहा है तो 1,000-2,000 रुपये का अंतर तो चल जाता है, लेकिन इससे ऊपर आपको अगर वो 30,000-35,000 मांग रहा है तो समझ लीजिए वो आपको कॉस्ट में बहुत ज़्यादा ठग रहा है। 2060 से भी अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो सबसे कम मिनिमम आप चाहें तो 1660 जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1660 और 1660 सुपर दोनों अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से हमारा जो 3070 और 3070 Ti दोनों अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। तो जो भी हमारा ग्राफिक्स कार्ड की Ti वाली जो सीरीज़ है वो हमेशा महंगी होती है और कॉस्टली होती है। जैसे कि अगर हम 3060 ग्राफिक्स कार्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें 3060 और 3060 Ti दोनों अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड हैं, जिसमें 3060 जो है वो हमारा कम पावरफुल है और 3060 Ti जो है, जो भी हमारा Ti के साथ होगा वो हमारा बहुत ही अच्छा पावरफुल होता है। एक चीज़ और मैं ग्राफिक्स कार्ड की आपको बता दूं कि इसमें जो मेमोरी है वो कभी भी इसमें निर्भर नहीं करती है। जैसे कि 3060 12 GB अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लेंगे और 3060 Ti में जाके अगर आप इसको 8 GB वेरिएंट ही इनके आते हैं अधिकतर, तो इसमें 3060 Ti 8 GB वेरिएंट आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा और ज़्यादा ही पावरफुल होता है। तो इसमें मेमोरी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें फ़र्क जो पड़ता है वो आपको चेक करना है इसकी क्लॉक स्पीड, और दूसरा होता है इसका फ्रेम रेट। और ये चीज़ें कभी भी डिब्बे पे लिखी नहीं होती हैं, ये आपको ऑनलाइन जब आप यहाँ पे अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे चेक करेंगे तब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी उसके। तो उसमें जिसकी भी क्लॉक स्पीड 1000 के ऊपर होती है वो बहुत ही अच्छा पावरफुल तरीके से काम करता है, और जिसकी क्लॉक स्पीड 1000 से नीचे होती है वो उसमें थोड़ा सा स्लो काम करता है। इसके साथ ही ग्राफिक्स कार्ड में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी आपको इंटेल के प्रोसेसर में बताया कि उसमें अलग अलग सीरीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा एफ़ सीरीज़ हो गया, के सीरीज़ हो गया, के एफ़ सीरीज़ हो गया, और उसके बाद में लास्ट में हमारा आता है के एस सीरीज़। ये नंबर से पावरफुल हैं, नीचे तक आएंगे तो नीचे वाला सबसे पावरफुल है इसमें और ऊपर वाला सबसे बेकार है इसमें। उसी तरीके से ग्राफिक्स कार्ड में भी एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे लो क्वालिटी के जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें केवल आपको डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगी, उसमें आपको कुछ भी अंदर और कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ वो डिस्प्ले के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। तो कभी भी अगर आप एनिमेशन वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें वो ग्राफिक्स कार्ड का कोई मतलब नहीं होता है। जो चीप लेवल के ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी है। जो लोग एडवांस लेवल के ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो GPU है वो किस का लगा हुआ है, सबसे पहला हमारा CUDA GPU आता है। CUDA जो GPU है वो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी एनिमेशन को VFX को यहाँ पे हैंडल करता है। इसके बाद में इससे भी अगर पावरफुल है वो हमारा होता है ऑप्टिक्स नाम से। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पता लगेंगी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ब्लेंडर के एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाना है आपको। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिस्टम में जाना है, और सिस्टम में आपको यहाँ पे जो इसके अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड के जो वेरिएंट है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहली जो हमारी टैब है इसमें अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे CUDA आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा ग्राफिक्स कार्ड का एक वेरिएंट है। मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है इसमें दोनों वेरिएंट हैं, CUDA भी है और ऑप्टिक्स भी है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा 7030 Ti है ये हमारा GeForce का RTX सीरीज़ है, और इसमें भी हमारा ये गेमिंग OC है। गेमिंग OC हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में हमारा GigaByte में एक ईगल का भी आता है जो इससे थोड़ा सा कम पावरफुल होता है। ये हमारा गेमिंग OC वेरिएंट है 8 GB में 3070 Ti, और ये इतना पावरफुल है इसमें कोई भी चीज़ आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इनकी भी पावर मैं आपको यहाँ पे लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसके बाद में जो मैंने यहाँ पे कैबिनेट इस्तेमाल की है वो है मेरी ज़ेब्रोनिक्स की हार्मेस। ये अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो लगभग 14,000 के आसपास आपको दिखाएगी, लेकिन ये मेरे को कॉस्ट जो है वो पड़ी थी 9,000 यानी 9,000 के आसपास।
इसके अलावा अगर आप कैबिनेट में और भी टॉप लेवल की ब्रांड में जाना चाहते हैं तो आपको ली एंड ली नाम से कैबिनेट मिल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी और पावरफुल होती हैं, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग जो कॉस्ट है अगर आपको ठीक ठाक यहाँ पे कैबिनेट लेनी है तो 14,000 से 16,000 के बीच में पड़ सकती है बेहतरीन कैबिनेट। अगर आप लो रेंज में जाना चाहते हैं, मिनिमम पीसी में भी अगर आप अच्छा अपना कैबिनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको एंट स्पोर्ट नाम से एक ब्रांड है, इसकी जो कैबिनेट है इसमें आपको 8 GB लाइट भी बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। साथ में इनकी जो कॉस्ट है वो कुल 2,000 से लेके 3,000 तक की रेंज में आपको मिल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-500 रुपये ऊपर या नीचे आप लगा सकते हैं, और छोटे से छोटा मिनिमम पीसीबी आप यहाँ पे बड़े आसानी से अपना कैबिनेट एंट स्पोर्ट या फिर गैलेक्स एक ब्रांड है उसके साथ में जाके यूज़ कर सकते हैं। और मिडिल में आपको जाना है तो आप यहाँ पे कोर शेयर की जो कैबिनेट है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर शेयर थोड़ा सा आपको हैवी मिलेगा, 6 से लेके 7 तक के रेंज में आपको उसमें कोई कैबिनेट ढंग की मिल पाए। इसके अलावा मेमोरी में आपको मैं बता दूं, अगर आपको बजट कम है तो हमेशा अपना जो सॉफ्टवेयर की मेमोरी है वो आपको अलग रखनी है, और जो अपने जितने भी आपका जितने भी कंप्यूटर में आप फाइल सेव कर रहे हैं उनकी जो मेमोरी है उसके लिए आपको अलग चीज़ वहाँ पे लगवानी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो है यहाँ पे SSD लगवाई है, और SSD में भी हमारी दो SSD आती हैं। एक आती है हमारी बिल्कुल रैम की तरह पतली सी चिप आती है जिसको हम बोलते हैं NVMe SSD, और ये SSD नॉर्मल SSD से हमारी और ज़्यादा पावरफुल होती है। तो मैंने अपने केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए 500 GB की यहाँ पे NVMe SSD लगवाई है, जो मुझे लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में पड़ी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे साटा की SSD लगवाई है, जो हमारी एकदम हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क की तरह दिखाई देती है, ये हमारी साटा SSD होती है। तो स्टोरेज के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल SSD लगवाई है अपनी साटा वाली। साटा जो है वो है मेरी यहाँ पे लगभग 1 TB की। और भी अगर मैं इसमें एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अपनी SSD और दूसरी भी यहाँ पे खरीद के लगा सकता हूँ, या फिर नॉर्मल हार्ड डिस्क भी आप लगा सकते हैं मेमोरी के लिए, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए बेहतरीन SSD लगवाएंगे तो उससे आपकी जो स्पीड है उसमें जो सॉफ्टवेयर खुलने की स्पीड है या फिर आपकी जो रैम की जो यहाँ पे कमी है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। दूसरी रैम के बारे में आपको बता दूँ, रैम हमेशा आप यहाँ पे कोर शेयर ही इस्तेमाल करें, उसमें भी आपकी हर्ज में आती हैं। तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे इस्तेमाल की है अपनी 580 MHz की कोर शेयर यहाँ पे रैम इस्तेमाल की है, और मेरा जो पुराना सिस्टम था उसमें जो मेरी रैम इस्तेमाल हुई थी वो थी कोर शेयर की 230 MHz की। तो 300 MHz से हमेशा आप थोड़ा सा ऊपर ही लें। 8 GB, 16 GB या 32 GB कितना आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसमें। अब एक और मेन चीज़ रह जाती है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे कंप्यूटर असेंबल कराते हैं और कोई पावरफुल कंप्यूटर असेंबल कराते हैं तो उसमें आपके सामने बाद में आपको ये चीज़ पता लगेगी जो मेरे को यहाँ पे फेस हुई, वो होती है आपकी पावर सप्लाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर सप्लाई के लिए हम यहाँ पे SMPS का इस्तेमाल करते हैं, या जिसको बोलते हैं PSU, पावर सप्लाई यूनिट। ये आपने जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो कितनी बिजली खा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे लगाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ये मदरबोर्ड है ये अकेला ही 750 वाट का जो बिजली है उसकी खपत करता है, इसलिए मुझे इसमें जो पावर सप्लाई है वो 1000 वाट की लगानी पड़ी। अब 1000 वाट की पावर सप्लाई लगाने के बाद में जब मैंने घर पे आके चेक किया तो मेरा जो 2000 वाला जो यहाँ पे UPS था उसका लोड नहीं उठा पाया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैंने 1000 वाट की यहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो 1000 वाट ही इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं होता है। 1000 वाट सिर्फ इसकी कैपेसिटी है, आपकी जितनी भी कंपोनेंट हैं वो आपके काम करने के हिसाब से उसमें बिजली खाते हैं। मान लीजिए अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर चला रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं या फिर कोई यूट्यूब पे चीज़ देख रहे हैं तो उसमें आपकी ज़्यादा खपत नहीं होती है, उसमें सिर्फ आपका प्रोसेसर थोड़ा बहुत काम करता है और उसमें कुल 100-200 वाट आपका वहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप हैवी यहाँ पे ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है और प्रोसेसर है तो वो दोनों के दोनों वहाँ पे कंज्यूम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो बिजली खाते हैं। तो जब मैं एक्सट्रीम काम करूँगा उस टाइम पर ये मेरा 1000 तक छू सकता है। तो हमारे नॉर्मल 2000 वाले जो यहाँ पे UPS हैं उनका जो वाट की कैपेसिटी होती है वो होती है 600 वाट।
तो 600 वाट की चीज़ 1000 वाट को तो उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एपीसी का मुझे यहाँ पे अलग से एक और यूपीएस लेना पड़ा। एपीसी में भी आपका 1100 VA में एक यूपीएस आता है जो आपका 650 वाट तक का लोड उठा सकता है, तो वो भी इसको उठा नहीं पाएगा, मुश्किल से मुश्किल चलेगा भी। तो एक उसमें डबल बैटरी होती है, उसके बावजूद ये जा थोड़ा बहुत 1-2 मिनट आपका 1-2 सेकंड चला के बंद हो जाएगा। उससे भी एक पावरफुल यहाँ पे यूपीएस आता है एपीसी का 1500 VA का। VA और वाट दोनों अलग अलग होते हैं, और 1500 VA को अगर हम कन्वर्ट करेंगे वाट में तो लगभग 850-900 वाट के आसपास की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे यूपीएस झेल सकता है। तो ये थी मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की। चलिए मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर भी दिखा देता हूँ। तो ये तो थे मेरे दोनों पीसी। होप कि आप सभी को ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी और आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो मिलते हैं 1-2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।